Swayam Prabha, Digital India, Educated India. हेलो स्टूडेंट्स माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ ला बी एच ओ सो दिस इज माई ट्वेंटी फिफ्थ लेक्चर टू टू विच आई एम गोइंग टू प्रजेंट बिफोर यू इसका टॉपिक है शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार इस व्याख्यान के अंतर्गत ये देखेंगे कि भारतीय संविधान की आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है वह किन बातों को ध्यान में रखते हुए अल्प समाज के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है और इस इसमें अस्पष्टता न होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समय समय पर शिक्षा के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन को लेकर के प्रशासन में कुप्रशासन का अधिकार सम्मिलित नहीं है और अफिलिएशन का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना जहाँ पर भारतीय संविधान एक तरफ प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है वहीं वहीं पर दूसरी तरफ संविधान स्वयं राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि वह मान्यता देते समय कुछ शर्तें अधिरोपित कर सकता है जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो जिससे कि पाठ्यक्रम को डायल्यूट करने का प्रयास न किया जाए तो शैक्षणिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य ऐसी अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं पर भी कुछ शर्तें ध्रोपित कर सकता है और वो वो सर्वथा उचित भी है हम इन सभी बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उसको भी देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कौन से वे उद्देश्य थे जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने ये आर्टिकल ट्वेंटी और थर्टी के अंतर्गत शिक्षा और संस्कृत संबंधी अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया है सभी छात्रों को ये मालूम होगा कि भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत ऐसे समाज के किसी भी समुदाय के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा है जिसकी अपनी लिपि या स्क्रिप्ट है उस भाषा और संस्कृति को अक्षुण रखने के लिए बनाए रखने के लिए समुदाय के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा या लिपि को संरक्षित रखने के लिए प्रशासित रखने का उसका अधिकार होगा मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि किसी भाषा को इम्पोज नहीं कर सकता कि उसको इस भाषा में ही शिक्षित करना है जिस किसी भी समुदाय के वर्ग को यह प्रतीत होता है कि उसकी अपनी विशेष भाषा है उसकी अपनी कोई लिपि है हम जैसे देवनागरी लिपि कहते हैं हिंदी के लिए वैसे ही सिख की अपनी कोई गुरमुखी लिपि है या जो किसी भी समुदाय की अपनी भाषा या लिपि है उसको प्रिजर्व करने के लिए भारतीय संविधान यह मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि समुदाय का कोई भी वर्ग कोई अधिकार होगा कि अपने भाषा और लिपि को बनाए रखने बनाए रखे इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 के अंतर्गत 29 के अंतर्गत आप स्क्रीन पर देखें मैंने आर्टिकल 29 के अंतर्गत दो बातों को लिखा है ध्यान से कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को अब आप देखें मैंने जैसे बताया नागरिकता को बता रहा था तो नागरिकों के किसी वर्ग को जिनकी अपनी भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा अब यहाँ पर आप देखें दूसरी तरफ आर्टिकल थर्टी को मैं एक साथ अगर कंपेटेटिव तुलनात्मक कर अध्ययन करूँ तो भारतीय संविधान के आर्टिकल थर्टी एक में लिखा हुआ है कि धर्म या भाषा के आधार पर दो चीज़ें लिखी धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार होगा ये संविधान के आर्टिकल तीस के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया ये केवल अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया अल्पसंख्यक वर्ग कौन होंगे स्वयं संविधान के आर्टिकल तीस में ही लिख दिया गया है वे आधार ग्राउंड किस आधार पर किसी भी वर्ग को समाज के किसी भी वर्ग को क्लास को हम अल्पसंख्यक मानेंगे स्वयं संविधान के आर्टिकल तीस के अंतर्गत ही लिख दिया गया दो आधार हैं या तो धर्म आधारित कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह वह अल्पसंख्यक हो सकता है या भाषा के आधार पर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अल्पसंख्यक हो सकता है हो सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक हों और वहां हिंदू अल्पसंख्यक हों हो सकता है कि केरल में क्रिश्चियन वहां पे बहुसंख्यक हों और हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हों और उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदू बहुसंख्यक हो सकते हैं क्रिश्चियन उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यक हो सकते हैं तो संविधान के आर्टिकल तीस दो क्राइटेरिया करती दो पैरामीटर डिसाइड करती है कि अल्पसंख्यक कौन है हु जो है हु इज़ माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कौन है तो अल्पसंख्यक से तात्पर्य धर्म या भाषा के आधार पर जनसंख्या का वह भाग जो धर्म जिसका प्रतिनिधित्व तो किसी राज्य में 50 प्रतिशत से कम हो या भाषा के आधार पर वह 50 प्रतिशत से कम है तो उस राज्य की जनसंख्या कुल जनसंख्या का यदि 50 परसेंट से कम उनका है उदाहरण के तौर पर अगर 49 परसेंट हैं तो वे फोर्टी नाइन परसेंट वर्ग के लोग जो है वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट का निर्वोचन के माध्यम से ये तय हुआ है अभी इसको भी देखेंगे किस केस में ऐसा कहा गया कि धर्म या भाषा के आधार पर पूरी जनसंख्या में पचास से अधिक जिसका प्रतिनिधित्व होगा वह बहुसंख्यक होगा पचास से कम है अल्पसंख्यक मानेंगे और यह डिटर्मिनेशन का जो क्राइटेरिया है वह धर्म या भाषा के आधार पर ही है तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर ये कहा जाए कि सेक्शन 30 के अंतर्गत ऐसा क्यों प्रावधान किया गया कि अल्पसंख्य जो धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होंगे उनको अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार होगा राज्य अल्पसंख्यकों पर यह अपनी अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है राज्य के द्वारा निर्धारित या डिसाइड किए गए पाठ्यक्रम या राज्य के द्वारा निर्धारित किए गए स्थापित किए गए यह शैक्षणिक संस्थानों में ही पढ़ेंगे आप देखें भारतीय संविधान की जो ब्यूटी है भारतीय संविधान की जो जो महानता है वह यह है कि भारतीय संविधान जहाँ पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों को जहाँ पर बहुसंख्यक व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है कि वे अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करें प्रशासित करें वहीं पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों को भी उनके मन मस्तिष्क में भारतीय संविधान के प्रति या राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार का कोई भय न हो यह दूर करने के लिए भारतीय संविधान अल्पसंख्यक वर्गों को भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर अपने पसंद के रुचि के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का और प्रशासित करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है यह जब बात संविधान सभा के अंतर्गत यह प्रावधान जोड़े जा रहे थे आप ये कल्पना करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग तीन में जो यह अधिकार प्रदान किया गया धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को भी अधिकार होगा यह कहीं न कहीं यह संविधान निर्माताओं में बात रही होगी कि जब देश आज़ाद होगा तो अल्पसंख्यक वर्ग भी, में भी अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों में भी राष्ट्र के प्रति वही भावना होनी चाहिए जो भावना बहुसंख्यक के प्रति है उनके मन मस्तिष्क में कहीं किसी प्रकार का भय न हो कि उनका हित संविधान में नहीं रखा गया है वे भी अपने भाषा को उतना ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं जितना कि बहुसंख्यक कर सकता है यहाँ भारत में बहुसंख्यक हिंदू कर सकता है हम जब अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्यतः हम एक तरफ बात करते हैं कि मुस्लिम हैं या ईसाई हैं सिख हैं परंतु हम यह भूल जाते हैं कि यह जो क्राइटेरिया है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का यह स्टेट वाइज है राज्यवार है पूरी जनसंख्या का भाग देखेंगे तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि हिंदू ज़्यादा हैं बहुसंख्यक हैं परंतु यदि स्टेट वाइज हम देखेंगे राज्यवार देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केरल में हो सकता है कि क्रिश्चियन बहुसंख्यक हैं और केरल में हिंदू अल्पसंख्यक है जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है और जम्मू कश्मीर राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक है मेजॉरिटी है उनकी बहुमत वो 50 परसेंट से ज़्यादा उनकी अब पूरी आबादी में जम्मू कश्मीर राज्य के पूरी आबादी में मुस्लिम का जो प्रतिशतता है वह पचास परसेंट से ज़्यादा है और हिंदू की जनसंख्या जम्मू कश्मीर राज्य में कुल जनसंख्या कुल पापुलेशन का फिफ्टी परसेंट से कम है तो यह एक स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पे क्रिश्चियन बहुसंख्यक है और हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं आप ये देख लें कि जो हमारी मल्टीपोलर सोसाइटी है मल्टी कल्चरल सोसाइटी है जो विविध संस्कृत और सभ्यता के लोग भारत में रहते हैं यह केवल और केवल इसका संविधान के आर्टिकल 30 का ही परिणाम है कि जो संविधान के आर्टिकल 30 अनुच्छेद तीस के माध्यम से धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करते हुए अपने लोगों को विशेष शिक्षा के माध्यम से वह राष्ट्र में राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने का प्रयास संविधान निर्माताओं का रहा होगा कहीं अल्पसंख्यक व्यक्ति को यह भान न हो ज्ञान यह भय न हो कि उनको उनकी शिक्षा जो उनकी विशेष शिक्षा है जैसे सिख को अगर कहा जाए तो आ, सिख समुदाय को तो उनकी अपनी गुरुमुखी लिपि है या उनको आ, उनकी अपनी विशेष भाषा है, 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 है या कन्नड़ है कर्नाटक के लोग कन्नड़ है मलयालम है तेलुगु है या इस तरह से जैसे कि मद्रास में या महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में मद्रास में यदि हम उसको तमिल है तो ये सारी भाषाएं जो लैंग्वेज है भाषा के आधार पर यदि कोई अल्पसंख्यक है तो अपनी भाषा की भाषा को भी वो प्रमोट कर सके प्रोन्नत प्रोत्साहित कर सके ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह प्रावधानित किया कि यह प्रत्येक अल्पसंख्यक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा उनका मौलिक अधिकार है कि वह अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित भी करें और उनका प्रशासन भी करें उस शिक्षा के प्रचार प्रसार में वो आगे बढ़ें इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य वहीं हस्तक्षेप करेगा जहाँ पर उस शिक्षा से स्वास्थ्य को प्रभावित हो या पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है सदाचार प्रभावित हो रहा है तो राज्य इन आधारों पर इन स इन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को रेगुलेट कर सकता है ये देखें जब आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार जो राइट टू लाइफ है वह एब्सलूट नहीं है तो ये आर्टिकल 29 और 30 जो है यह भी एब्सलूट राइट नहीं है ये भी निर्बंधन के अधीन है राज्य निर्बंधन लगा सकता है यह व्यक्ति का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अल्पसंख्यक का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये उसका मौलिक अधिकार हो सकता है और दिया भी गया है परंतु शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य को अधिकार दिया गया है कि राज्य स्वास्थ्य के आधार पर सदाचार के आधार पर लोक व्यवस्था के आधार पर इन अधिकारों पर निर्बंधन लगा सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस में ही लिखा हुआ है कि नो पर्सन सेल बी डिप्राइब्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाई लॉ अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न हो अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अर्थात आर्टिकल 21 भी संविधान के जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 21 है जीने के अधिकार की गारंटी प्रदान करती है राइट टू लाइफ को राइट टू लाइफ को रिकॉग्नाइज करती है मौलिक अधिकार के रूप में वह भी प्रत्येक स्थिति में जीने के अधिकार की गारंटी नहीं देता संविधान यदि किसी व्यक्ति ने हत्या किया है तो हत्यारे को जीने का अधिकार भारतीय संविधान नहीं देता अगर किसी ने हत्या किया है दोष साबित हो गया है तो भारतीय संविधान उस व्यक्ति के जीने के अधिकार को वंचित कर देगा और उसको फांसी दी जा सकती है डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है तो जब वह अधिकार एब्सलूट नहीं है तो संविधान के अंतर्गत जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह सब कहीं न कहीं निर्बंधन के अधीन है मैं ये बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी के अंतर्गत कि जो ये अधिकार है यह भी एब नहीं है यह भी निर्बंधन के अधीन है यह भी रेस्ट्रिक्शन के अधीन है और दैट रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट स्टेट निर्बंधन इम्पोज कर सकती है वह शर्तें लगा सकती है कि जिन शर्तों से शैक्षणिक गुणवत्ता को शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे वह स्टेट शर्त लगा सकता है मैंने आपको बताया कि संविधान अब ये दोनों को मैंने बता आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी को जब ये बता दिया पहले अभी यहीं पर देख लें कि ट्वेंटी नाइन के अंतर्गत जो वर्ड शब्दावली यूज की गई है कि समुदाय के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा तो वहाँ पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को लिखा हुआ है जो शब्दावली यूज की गई आर्टिकल ट्वेंटी के अंतर्गत कि समाज के किस समुदाय के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा तो यहाँ पे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को जिसकी अपनी भाषा या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार माना जाएगा दूसरी तरफ संविधान की आर्टिकल तीस थर्टी जो है वह केवल अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी क्लास को राइट देती है कि वह अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करे और प्रशासित करे ये उनका मौलिक अधिकार होगा तो दो बातें क्लियर हो गई अब क्यों यह अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार दिया गया उसका लॉजिक उसका तर्क मैंने आपको बता दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को भी आज़ादी के पश्चात ये मालूम हो सके कि वह भी आज़ाद भारत में रह रहा है बहुसंख्यक उसके अधिकारों पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न कर सकें अल्पसंख्यक भी राष्ट्र को उतना ही अपना समझे जितना कि बहुसंख्यक समझते हैं इस भावना को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को विशेष यह अधिकार प्रदान किया कि वे अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए वे आगे आएँ और वह कर सकते हैं तो यह धारा ये, ये संविधान के आर्टिकल उनतीस और तीस के माध्यम से हमने देखा कि दो प्रावधानों को जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि एक जगह एक आर्टिकल 29 में नाग इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों को अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 30 केवल अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी क्लास को ये राइट प्रदान करती है दूसरी तरफ अब सच देखें स्क्रीन पर आप देखें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार आर्टिकल थर्टी मैंने इस पर लिखा है कि अल्पसंख्यक कौन है आर्टिकल अनुच्छेद तीस अल्पसंख्यक कौन तो स्वयं आर्टिकल तीस में प्रावधान कर, गय, कर दिया गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होगा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा दो इम्पॉर्टेंट बातें की गई आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत और मैंने उसको स्क्रीन पर लिखा है केस है अजीज बादशाह बनाम भारत संघ ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अजीज बादशाह वर्सेज भारत संघ की केस में पहली बार पहली बार अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1968 में केस दायर किया गया अब इसको विस्तार से देखते हैं कि आर्टिकल तीस में जो अजीज बादशाह बनाम भारत संघ का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय दिया गया और जो संविधान का अनुच्छेद तीस है उसमें दो महत्वपूर्ण बातें क्या कही गई पहला संविधान के आर्टिकल थर्टी में ये बताया गया कि अल्पसंख्यक कौन है ये बात मैंने अभी पहले भी बताई कि संविधान के आर्टिकल तीस के अनुसार अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म या भाषा के आधार पर ही किया जा सकता है दूसरा ऐसे व्यक्तियों को जिनका राज्य की कुल जनसंख्या में आबादी जो कुल जनसंख्या में प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशत से कम है धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर उन्हें अल्पसंख्यक मानते हुए उन्हें अपनी रुचि के पसंद के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा ये बात संविधान के आर्टिकल तीस में कही गई है तो इसको लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को चलाने और प्रशासन करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1968 में आया अजीज बाशाह नाम के व्यक्ति ने याचिकाकर्ता पेटिशनर ने उच्चतम न्यायालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रशासन को लेकर के चुनौती दिया कि चूंकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई है इसलिए चूँकि सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक मुस्लिम संस्था होने के नाते इसको प्रशासित करने का अधिकार इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसके इसके एडमिनिस्ट्रेशन का जो राइट है वह मुस्लिम समुदाय को दे दिया जाना चाहिए परंतु याचिकाकर्ता यह या भूल गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान का योगदान हो सकता है उन्होंने उस संस्था के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की परंतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के द्वारा पारित किए गए अधिनियम एक्ट के अंतर्गत की गई है जैसे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बी का एक्ट है उन्नीस का वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम है उस एक्ट के अंतर्गत अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है जो इस्टेब्लिशमेंट है तो वह पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए स्टैचूट के तहत की गई है सर सैयद अहमद खान का योगदान हो सकता है उसमें उससे नकारा नहीं जा सकता है इसलिए याचिकाकर्ता का यह दावा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा की गई इसलिए यह संविधान के आर्टिकल तीस में आता है और इसका प्रशासन मुस्लिम समुदाय को दे दिया जाए इस तर्क को मानने से अस्वीकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय संसद के द्वारा पारित किए गए अधिनियम के तहत स्थापित है अतः इसका दावा याचिकाकर्ता आर्टिकल तीस एक के अंतर्गत नहीं कर सकता है यह बात स्पष्ट हो गई कि इसे यह स्पष्ट हो गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम समुदाय के द्वारा नहीं की गई या सर सैयद अहमद खान के द्वारा नहीं की गई वह आयुक्त के द्वारा संसद के द्वारा पारित स्टैच्यूट के द्वारा शासित होता है इसलिए अल्पसंख्यक संस्था नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आर्टिकल तीस एक के दायरे में अल्पसंख्यक संस्था नहीं होगी क्योंकि वह स्वयं उसका एक है अब इस बात को 1968 में ही क्लियर कर दिया गया वैसे ही आप देखे होंगे डी है दयानंद एंग्लो जो एंग्लो डी विद्यालय ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं डीएबी की पूरी ब्रांचेज हैं पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हर लगभग प्रत्येक राज्य में डीएबी का संस्थाएँ हैं तो दयानंद जो सरस्वती के या ट्रस्ट के माध्यम से जो ये संचालित संस्थाएं हैं या ऐसी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित हो रही हैं उदाहरण के तौर पर आप देखते होंगे कि जितने मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मदरसे हैं ये भी दावा करते हैं कि संविधान के आर्टिकल तीस एक के अंतर्गत वह धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं इसलिए उन उनको शिक्षा को संस्थाओं को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार होगा तो वे अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं विशेष शिक्षा दे सकते हैं परंतु यह शिक्षा की गुणवत्ता में यदि कोई गिरावट आती है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है तो यहाँ पर एक तरफ अल्पसंख्यक व्यक्तियों को ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है वहीं पर राज्य को शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने का भी अधिकार दिया गया है अब स्क्रीन पर देखते हैं कि राज्य के द्वारा जो शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विनियमन क्या स्टेट क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करने के लिए रेगुलेट कर सकती है इस राइट को तो इससे संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1958 में इनरी केरला एजुकेशन बिल स्क्रीन पर आप देखें इंद्री केरला एजुकेशन बिल नाइनटीन ए आई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया अब चूंकि मैंने इसको लिखा हुआ है आप स्लाइड पर देखें इन केरला एजुकेशन बिल इन रेफरेंस टू केरल एजुकेशन बिल अब केरल राज्य में एक ऐसा शिक्षा से संबंधित एक ऐसा विधेयक प्रस्तावित किया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि राज्य के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी उनका सस्पेंशन किया जा सकता निलंबन किया जा सकता है उन्हें पदच्युत किया जा सकता है उनको वेतन देने का शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करने का यह राइट होगा तो केरल राज्य में जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं उन्होंने इस विधेयक का केरल एजुकेशन बिल का इस आधार पर विरोध किया कि यह भारतीय संविधान की आर्टिकल तीस एक द्वारा प्रत्याभूत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि इस मामले को 1958 में उठाया गया लॉ इस पर क्लियर नहीं था तो आप जैसा जानते होंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल एक सौ के, के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है शक्ति प्रदान की गई है संविधान के द्वारा कि वह किसी भी ऐसे मामले को प्रश्न को जो उसके समक्ष मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है या उसके समक्ष राष्ट्रपति के समक्ष लाया जाए जिस पर लॉ क्लियर न हो विधि स्पष्ट न हो वह उस राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विषय को माननीय उच्चतम न्यायालय को विधिक राय के लिए संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत भेज सकता है तो इस मामले को तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत रेफरेंस के लिए भेजा गया सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्लियर स्थिति स्पष्ट करे कि क्या जो केरल एजुकेशन बिल है इसको पारित हो जाने से इसको बन जाने से क्या इसमें जो जो केरल एजुकेशन बिल है जिसमें वहाँ के टीचर्स को अपॉइंट करने को सैलरी प्रेस्क्राइब करने को पाठ्यक्रम डिसाइड करने को जो सिलेबस है वह डिसाइड करने को गवर्नमेंट का जो पावर है यह संविधान के आर्टिकल थर्टी वन तीस एक के विपरीत है या इसको उसके उसका उल्लंघन न माना जाए तो आप ये देखें स्क्रीन पर कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय क्या आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो विधिक राय दी गई भारत के राष्ट्रपति को वह दिया गया निर्णय दिया गया कि राज्य के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति करना उनको पदच्युत करना उनको वेतन देना सैलरी देना सिलेबस डिसाइड करना पाठ्यक्रम निर्धारित करना यह क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि प्रशासन के जो संविधान के आर्टिकल तीस एक में लिखा हुआ है कि शिक्षण शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन का अधिकार तो प्रशासन के अधिकार के अंतर्गत कुप्रशासन का अधिकार सम्मिलित नहीं है मॉल मीन्स राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन डजेंट इंक्लूड राइट टू मॉल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के अधिकार में कुप्रशासन सम्मिलित नहीं है कि आर्टिकल तीस एक के नाम पर कोई अल्पसंख्यक संस्था जो है अपने यहाँ शिक्षा के पाठ्यक्रम को कम कर दे जो उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यू है जैसे हम इसको दृष्टांत के माध्यम से समझें कि पूरे भारत में उच्च जो उच्च शैक्षणिक संस्था है हायर एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए जो अपेक्ष रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा भारत में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के अपॉइंटमेंट को लेकर के उनकी सैलरी उनके प्रमोशन को लेकर के क्राइटेरिया डिसाइड की जाती है उनके द्वारा कितने घंटे पढ़ाने हैं ये भी डिसाइड किया जाता है यह अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी यह नियामक संस्था है और संबंधित कोर्स का पाठ्यक्रम क्या होगा किस किस डिग्री कॉलेज को किस विश्वविद्यालय को मान्यता दी जाए मान्यता न दी जाए मान्यता दिए जाने के पहले विषय की मान्यता दिए जाने के पहले उस कॉलेज या विश्वविद्यालय से ये कहा जाए कि क्या वह न्यूनतम क्राइटेरिया फुलफिल करता है या नहीं करता है यह शर्त तो स्टेट लगा ही सकता है आप एक कल्पना ये कल्पना कीजिए कि अगर यह पावर न दिया गया होता स्टेट के पास तो आप ये कल्पना करें कि कोई भी कोई डिग्री कॉलेज अपने यहाँ किसी भी शिक्षा के पाठ्यक्रम को वो मन चाहे तो एक महीने में ख़त्म कर दे मन चाहे तो दो महीने में ख़त्म कर दे या उसको छः महीने तक ख़त्म ही नहीं करे या एक वर्ष तक वो उसको पढ़ाता ही रहे आपने देखा होगा सेमेस्टर प्रणाली लागू किया गया कि छः महीने में सेमेस्टर होगा छः महीने में एक दूसरा सेमेस्टर होगा सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी यदि ये पावर यह यदि ये पावर जो है किसी भी हायर एजुकेशन में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को या किसी भी बहुसंख्यक समुदाय को दे दिया जाए कि पाठ्यक्रम वे डिसाइड करें परीक्षा कब होगी वे डिसाइड करें नंबर कितना देना है वे डिसाइड करें तो आप ये कल्पना करें कि उस हायर एजुकेशन संस्थानों में पढ़ाई का माहौल क्या होगा शिक्षा का स्तर क्या होगा तो ये कल्पना की जा सकती है भारत जैसे देश में तो ये देखते हुए इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने पहले ही इस बात को स्थापित कर दिया था कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था स्थापित कर सकती हैं अपनी पसंद के शैक्षिक संस्था को स्थापित करें और अपनी भाषा से वहाँ पे पढ़ाएं, लेकिन जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होगा सिलेबस होगा वो डिसाइड नहीं करेंगे सैलरी वेतन कितना मिलना है पता चला कि वो अपने यहाँ जो उनके यहाँ टीचर काम कर रहे हैं उनको एक महीने की सैलरी सरकारी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी सैलरी का आधा वो दे रहे हैं तो ये सैलरी भी डिसाइड नहीं करेंगे आपको उतना देना है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है समान कार्य के लिए समान वेतन है और ये स्टैचूट पार्लियामेंट ने बनाया है तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा अब इस सारी बातों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है कि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना खोलना उसको इस्टेब्लिश करना प्रशासन करना यह आपका फंडामेंटल राइट हो सकता है लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए देश हित में यह आवश्यक है कि स्टेट को ये पावर होनी चाहिए कि वह एक सिलेबस एक कॉमन सिलेबस पूरे देश में हायर एजुकेशन के लिए डिसाइड कर दे ऐसा नहीं हो सकता कि मैथमेटिक्स अगर पढ़ाई जा रही है दिल्ली में तो मैथमेटिक्स का सिलेबस डिग्री कॉलेज में कुछ होगा और उत्तर प्रदेश में कुछ होगा वह चूँकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वह ये कह सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल पर सिलेबस ये है पीजी लेवल का सिलेबस ये होगा आप उस सिलेबस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते या फिफ्टी परसेंट ही पढ़ाएं फिफ्टी परसेंट छोड़ दें यह सिलेबस निर्धारण का कार्य जो है वो स्टेट कर सकता है अब इस आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत पहला जो केस आया इनरी इनरी केरल एजुकेशन बिल आप देखें इसको स्लाइड पर मैंने दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि प्रशासन के अधिकार में वो प्रशासन का अधिकार सम्मिलित नहीं है राज्य शैक्षणिक संस्थाओं की श्रेष्ठा हेतु तो, उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य नैतिकता एवं सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर उसमें निर्बंधन लगा सकती हैं शर्तें लगा सकती हैं दूसरी बात आप ये देखें दूसरा महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया जो संबद्धता एवं मान्यता का अधिकार की बात करता है कि जो एफिलिएशन है वह क्या फंडामेंटल राइट है इस सेंट जेबियर का जो केस का नाम है स्क्रीन पर आप देखें सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद वर्सेस गुजरात राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इनमें नाइन नौ न्यायाधीशों की पीठ ने केस डिसाइड किया आप देखें संवैधानिक पीठ, पीठ है नौ न्यायाधीश वृहद पीठ है सर्वप्रथम इस केस में यह चुनौती दी गई थी सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद के द्वारा की जो गुजरात राज्य है उस गुजरात राज्य विश्वविद्यालय स्क्रीन पर आप देखें जो गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट है 1972 का विधानसभा ने बनाया होगा उन्नीस में उस गुजरा गुजरात राज्य की विधानसभा के द्वारा बनाया गया अधिनियम गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम उन्नीस की धारा बत्तीस एवं 40 के अनुसार कुलपत के द्वारा प्रत्येक डिग्री कॉलेज के गवर्निंग बॉडी में विश्वविद्यालय के सदस्य का नामित किया जाना आर्टिकल तीस का उल्लंघन है ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया ये सारी क्या उल्लंघन है या नहीं है दूसरा प्रश्न ये था कि क्या धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था का समृद्धता का अधिकार अनुच्छेद तीस के अंतर्गत मूल अधिकार है या नहीं है तो अब सेंट जेवियर कॉलेज आप स्क्रीन पर देखें मैंने इसको सेंट जेवियर कॉलेज केस के नाम से दूसरा मैंने इस पर लिखा है कि प्रश्न संख्या एक क्या था और प्रश्न संख्या दो क्या है सेंट जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य ईआईआर 1974 के केस में दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट के समझ थे पहला कि क्या राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान करना कॉलेज की सास की जो गवर्निंग बॉडी है जिसमें मैनेजर होगा प्रबंधक होगा प्राचार्य प्रिंसिपल होगा उसमें विश्वविद्यालय का भी एक सदस्य कुलपति के द्वारा नामित होगा कि किसी भी प्रकार के विवाद इस विवाद स्पन्न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधित्व हो सके और ये प्रावधान इसलिए अधिनियम के द्वारा रखा गया था कि कम से कम विश्वविद्यालय का एक सदस्य नामित होगा तो उस कॉलेज में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं कॉलेज में किस प्रकार की समस्या है इससे भी विश्वविद्यालय अवगत हो सकेगा इसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति को यह अधिकार दिया गया था कि विश्वविद्यालय राज विश्वविद्यालय का कुलपति को अधिकार होगा कि वह कॉलेज में किसी भी कॉलेज में चाहे वह भले ही अल्पसंख्यक संस्थाओं के द्वारा संचालित कॉलेज हो उसमें विश्वविद्यालय के एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है नामित कर सकता है जिससे कि सेंट जेवियर कॉलेज के प्रबंध तंत्र के द्वारा चुनौती दी गई कि यह संविधान के आर्टिकल तीस एक के शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन के अधिकार में हस्तक्षेप है उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि आप स्क्रीन पर देखें कि द्वारा निर्णित किया गया कि विश्वविद्यालय के सदस्य का कॉलेज प्रबंध में हस्तक्षेप यह संविधान के आर्टिकल तीस का उल्लंघन माना जाएगा विश्वविद्यालय प्रशास विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा कॉलेज के गवर्निंग बॉडी में सदस्य को मनोनीत किया जाना आर्टिकल तीस का ओदेशन है दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि अल्पसंख्यक संस्थाओं का संबद्धता का जो अधिकार है संबद्धता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है यह फंडामेंटल राइट नहीं है एक समता का अधिकार मूल अधिकार नहीं है एक मूल अधिकार नहीं क्योंकि राज्य राज्य इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि राज्य संबद्धता दिए जाने राज्य संबद्धता इसमें मैं इस लिख दे रहा हूँ इसमें में, में संबद्धता दिए जाने के पूर्व शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु शिक्षकों की योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होगा पाठ्यक्रम क्या होगा सिलेबस क्या होगा आधारभूत जैसी सुविधाएं की शर्तें लगा सकता है तो इसमें तो आप ये देख लें कि जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेंट जेवियर कॉलेज में कि अल्पसंख्यक संस्थाओं का जो संबद्धता का अधिकार है किसी भी विश्वविद्यालय से अफिलिएट होने का आपको ये मालूम होगा कि कोई भी डिग्री कॉलेज होगा चाहे वह माइनॉरिटी का ही क्यों ना हो तो वो जिस भी स्टेट में खुले जा खुले जाएंगे वह उस स्टेट यूनिवर्सिटी से उस राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे और संबद्धता उनसे लेनी पड़ेगी संबद्धता लेते समय राज्य विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज पर ऐसे रीजनेबल कंडीशन इम्पोज कर सकता है कि उसका पाठ्यक्रम वही हो होगा जो विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है उसके शिक्षकों की वही सेवा शर्तें होंगी जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्तें हैं उतना ही वेतन पाएगा जितना कि विश्वविद्यालय का शिक्षक पा रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही होगी जो विश्वविद्यालय का शिक्षक पा रहा है तो ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सिलेबस का जो निर्धारण है वह एफिलिएशन देते समय राज्य विश्वविद्यालय ऐसे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं पर भी एक अनिवार्य शर्त अधिरोपित कर सकता है और ये जायज़ है इससे संविधान के आर्टिकल 30 का उल्लंघन नहीं होता है तो बात क्लियर हो गई सेंट जेवियर कॉलेज में आप ये कल्पना करें कि यदि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है जैसे यदि बात करें तो आप देखें जैसे सेंट जेवियर कॉलेज ही की बात करें तो अभी क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा स्थापित एक संस्था है अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या खालसा डिग्री कॉलेज है तो जो खालसा डिग्री कॉलेज है वह अभी सिख समुदाय के द्वारा संचालित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है जो ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाने हैं आप एक कल्पना करें कि यदि इसमें शिक्षकों के शैक्षणिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको अगर राज्य विश्वविद्यालय प्रिस्क्राइब ना करे कि उनके लिए पीएचडी होना मस्ट है उनको लिए उनके लिए यूजीसी के द्वारा जो परीक्षाएं यू नेट होना मस्ट है तो ऐसे विद्यालय ऐसे डिग्री कॉलेजेज हो सकते हैं कि वे बिना ऐसी योग्यताओं को भी अपने शिक्षकों से पढ़ा दें कहीं न कहीं तो आप ये देखें कि जहाँ पर हम एक तरफ जहाँ पर संविधान एक तरफ किसी व्यक्ति को लिबर्टी दे रहा है कुछ करने के लिए वहाँ पर अगर संविधान इस प्रकार की शर्तें लगाता है तो शर्त को कंडीशन का लगाया जाना है रिजनेबिल है और वह रिजनेबिलिटी इसलिए है कि शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए कि शिक्षक जब अच्छा नहीं होगा उसकी क्वालिफिकेशन अगर पीएचडी ना हो पता चला कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है पीजी किया हुआ है कम पैसे में पढ़ा रहा है तो सैलरी भी उसकी राज्य विश्वविद्यालय के टीचर को जितना होगा पे स्केल जितना विश्वविद्यालय आयोग यू ने डिसाइड किया उतना ही पे स्केल जो है उसको डिग्री कॉलेज के शिक्षकों में मिलेगी सिलेबस आप डिसाइड नहीं करेंगे बल्कि आप बिल्डिंग बनाएं, आप अपने यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर लेकिन शिक्षकों की क्वालिफिकेशन क्या होगी ये स्टेट डिसाइड करेगा पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा ये राज्य विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा और संबद्धता तभी मिलेगी एफिलिएशन तभी मिलेगा जब विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक क्वालिफिकेशन योग्यता पूर्ण की जाए या पाठ्यक्रम की संबंधी अर्ताएँ क्वालिफिक की जाए तभी संबद्धता दी जा सकती है इसलिए संबद्धता प्राप्त करने का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट नहीं है मूल अधिकार नहीं कहा जा सकता है तो ये बातें क्लियर हो गई अब आते हैं नेक्स्ट केस पर दूसरा एक महत्वपूर्ण केस आया वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिस केस का नाम आप स्क्रीन पर देखें टीएमए पाई फाउंडेशन वैसे स्टेट ऑफ कर्नाटक ए आई आर टू थाउजेंड थ्री सुप्रीम कोर्ट आपको ये लगता होगा कि मैं हिंदी माध्यम से स्लाइड बनाया हूँ लेकिन केस में इंग्लिश में कहीं कहीं लिखा हूँ तो उसको लिखने का केवल तात्पर्य है कि हिंदी में कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो आ, मात्रा को लेकर के या उसका नाम लेकर के कहीं गलत भी हो सकता है तो इसलिए जो जिस रूप में है टी एम ए पाई फाउंडेशन उसको मैं उस रूप में इस इंग्लिश में लिखने में कि थोड़ी सी बात समझाने का प्रयास करेंगे टी पाई फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका ए आई आर टू थाउजेंड थ्री सुप्रीम कोर्ट अभी देखें कि इस में, के केस में ग्यारह न्यायाधीशों के द्वारा ये केस डिसाइड क्यों क्योंकि इसके पहले जो सात न्यायाधीशों ने डिसाइड किया नौ न्यायाधीशों ने डिसाइड किया तो जरूरी था कि पहले के जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया है नौ न्यायाधीशों के द्वारा अगर मामला तो उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो तभी संभव है जब उससे बड़ी पीठ के द्वारा डिसाइड किया जाए तो टी एमए पाई फाउंडेशन केस को ग्यारह न्यायाधीशों ने डिसाइड किया अल्पसंख्यक कौन है इसमें ये भी प्रश्न था टीएमए पाई फाउंडेशन में दूसरा सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें कि प्रवेश प्रक्रिया में क्या अल्पसंख्यकों के साथ अन्य समुदाय के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाएगा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था निर्णय जो आता है सुप्रीम कोर्ट का कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार धर्म या भाषा के आधार पर समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय किया गया कि राज्य के द्वारा शिक्षा का पाठ्यक्रम शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता जैसी शर्तें विहित की जा सकती हैं अर्थात अब सरकारी सहायता प्राप्त इसमें भी दो कैटेगरी किया गया टी एम जो टी एम पाई फाउंडेशन केस है यह दो बिंदुओं से महत्वपूर्ण है कि इसमें दो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को दो कैटेगरी में बांटा गया कि आर्टिकल तीस एक के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान हैं यदि वे स्थापित और प्रशासित किए जा रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा यदि वे सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं सरकार से आर्थिक सहायता ले रही हैं तो एक कैटेगरी दूसरा आर्थिक सहायता नहीं ले रही हैं अपने ही खर्चे पर वह अपने अल्पसंख्यक जो शैक्षिक संस्था है वह उसको प्रशासित कर रही है तो दो कैटेगरी यदि राज्य से आर्थिक सहायता ले रही है अल, अल्पसंख्यक शैक्षणिक अल्प संस्थान तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का अनुपालन करना उसके लिए परिहार होगा वह अपने यहाँ फिफ्टी परसेंट जो छात्र होंगे वह अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकते हैं फिफ्टी परसेंट जो समुदाय जो फिफ्टी परसेंट जो सीटें होंगी वे फिफ्टी परसेंट सीटें अन्य समुदाय के छात्रों से भरी जाएंगी अब देखिए मैंने आपको इस स्क्रीन पर आप देखें कि टीएमए पाइप टी एम ए पाइप फाउंडेशन केस को लेकर के मैं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण शिक्षण संस्थाएं जो अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित हो के द्वारा प्रवेश प्रक्रियाओं में गैर अल्पसंख्यक छात्रों को भी प्रवेश देना होगा ये बात हो गई इस सामान्यतः जैसे फिफ्टी परसेंट और प्लस फिफ्टी परसेंट होगा फिफ्टी परसेंट अल्पसंख्यकों को फिफ्टी परसेंट अल्पसंख्यक छात्रों से ऐसी सीटें भरी जाएंगी माना कि सौ सीटें हैं तो सौ में पचास अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे और फिफ्टी फिफ्टी अल्पसंख्यक के होंगे फिफ्टी और अन्य अल्पसंख्यक गैर अल्पसंख्यक समुदाय से भरी जाएंगी दूसरी कैटेगरी जो आई इसमें इसमें देखें कैटेगरी टू और इसको हम अगर कर दें कि ये कैटेगरी वन है तो सरकारी सहायता न लेने वाले शिक्षण संस्था व्यावसायिक शिक्षण संस्था को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे अपने यहाँ जो हंड्रेड सीट्स हैं यह प्रायः है जो व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य यहाँ पे जो बी एड कॉलेजेज हैं जो आई टी आईज हैं इस तरह के जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं टेक्निकल एजुकेशन है जहाँ पर बी टेक ये अगर संविधान के आर्टिकल तीस एक के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा स्थापित और प्रशासित की जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनको पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वे गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उसमें सीट न दें वो अपनी अपने सीटों को भरें परंतु अब एक इसमें राइडर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि परंतु जो फी है और प्रवेश दोनों उन्हीं छात्रों से होगा जो राज्य की समान प्रवेश में सम्मिलित हुए हैं अर्थात कम से कम जो राज्य का विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रवेश प्रक्रिया है उसका फार्म वो भरे हों प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हों उसी में से उनको लेना है ये नहीं कि उससे बाहर वो कहीं जो चाहे जिसको चाहे वह ले लिया क्राइटेरिया वे उन्हीं छात्रों से उन सीट को भरनी है जो राज्य प्रवेश प्रक्रिया में छात्र सम्मिलित हुए हैं उनसे ही भरी जाएंगी उनसे कोई कैप्टेशन फीस नहीं लिया जाएगा तो ये बातें टी एम फाउंडेशन में दो कैटेगरी बांटी गई कि जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं और जो नहीं प्राप्त कर रहे हो दूसरों को अंतर अब इसके बाद एक 2005 में एक केस आया देखें जिसमें लिखा हुआ है मैंने लिखा है स्क्रीन पर पीए ए इनामदार वर्षे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब इसमें सात न्यायाधीशों की पीठ ने इसको और इसमें चूंकि क्लैरिटी नहीं थी तो इसको और स्पष्टता करने के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णित किया कि गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं वे स्वयं अपने छात्रों को प्रवेश दे सकती हैं बशर्ते प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी हो अब ये बातें बहुत तो अभी भी आप देखें कि पीए ए इनामदार की केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि जो ऐसी शैक्षिक संस्थाएं जो संविधान के आर्टिकल तीस एक में स्थापित की गई हैं वे अगर सरकार से सहायता नहीं प्राप्त कर रही हैं सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं तब तो वह गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन मानने के लिए बाध्य हैं यदि सर गैर सरकारी सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं तो वे प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया अपने ही समुदाय के छात्रों से सीटें भर सकती हैं तो अब इस केस को देखने के पश्चात आपको ये लगता है देखिए दो कैटेगरी हो गई कि वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित की गई हैं प्रशासित की जा रही हैं परंतु वे आर्थिक सहायता सरकार से ले रही हैं उसमें वे गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं एक दूसरा वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने ही समुदाय के छात्रों से रिक्त सीटों को भर सकती हैं दो बातें हो गई क्लियर इसमें अब ये तो हो गई कि इस सीट को भरने को लेकर के प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश प्रक्रिया की एडमिशन की बात हो गई लेकिन आप ये देखें इन केसों के अंतर्गत मामलों के अंतर्गत जो सिलेबस को डिसाइड करना है पाठ्यक्रम होगा शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी जो बात होगी उनकी सैलरी संबंधी बात होगी उनके भत्ते संबंधी सस्पेंशन की नियुक्ति और टर्मिनेशन की बात होगी यह सब इन सभी का निर्धारण जो है वह राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियम और कानून के तहत होगा राज्य अर्थात राज्य सरकार शिक्षकों के क्वालिफिकेशन को डिसाइड कर सकता है भले वह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हो उदाहरण के तौर पर वह यदि खालसा डिग्री कॉलेज है सिख समुदाय के द्वारा स्थापित और प्रशासित किया जा रहा है या वह सिया डिग्री कॉलेज हो सिया समुदाय के द्वारा स्थापित वह उच्च शैक्षणिक संस्थान हो वह शिक्षकों के क्वालिफिकेशन को डाइल्यूट नहीं कर सकते पाठ्यक्रम को डाइल्यूट नहीं कर सकते कम नहीं कर सकते शिक्षकों के क्वालिफिकेशन को मानने के लिए बाध्य हैं पाठ्यक्रम इस जो सिलेबस विश्वविद्यालय का जिस विश्वविद्यालय से वह संबद्ध हैं उसके पाठ्यक्रम को मानने के लिए बाध्य होंगे तो मैंने आपको बताया कि एफिलिएशन संबद्धता देते समय विश्व संबंधित राज्य विश्वविद्यालय कुछ शर्तें लगा सकता है जिससे कि शैक्षणिक गुणवत्ता से माहौल बना रहे इसलिए जहाँ पर संविधान एक तरफ सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करता है वहीं पर दूसरी तरफ राज्य को भी एफिलिएशन संबद्धता देते समय मैंने आपको बताया कि संबद्धता प्राप्त करने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है उसको डिप्राइव किया जा सकता है संबद्धता देने के बाद भी उसकी संबद्धता रद्द की जा सकती है आपको ये जानकर आश्चर्य होगा छात्रों को कि किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्था को जो अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित तो और प्रशासित की जा रही है स्थापित तो और प्रशासित की जा रही है उस अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के मान्यता को रद्द किया जा सकता है यदि वे मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करते हैं शैक्षणिक गुणवत्ता में किसी प्रकार की गिरावट आती है विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को नहीं मानते हैं शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हैं तो मान्यता जो है वह एफिलिएशन संबद्धता रद्द भी की जा सकती है दो चीज़ें हो गई ग्रांट ऑफ एफिलिएशन और कैंसिलेशन ऑफ एफिलिएशन संबद्धता को ग्रांट करना और संबद्धता को रद्द करना ये दोनों बातें हो सकती हैं मैंने जैसा कि आपको बताया कि किन किन आधारों पर ये संबद्धता रद्द की जा सकती है और किन किन आधारों पर संबद्धता को दिया जा सकता है तो अब एक जो बात क्लियर हो गई सेंट जेवियर कॉलेज से लेकर के फिर इसके बाद डी कॉलेज का केस आया हाँ उसमें भी इसी प्रकार से था कि डी कॉलेज भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था है इसको भी आर्टिकल 30 के अंतर्गत तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी तक आर्टिकल तीस एक को लेकर के निर्णय दिया गया है उसको मैं संक्षेप में बता दूँ कि आर्टिकल तीस एक के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित नहीं है किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान के आर्टिकल तीस एक के अंतर्गत अपनी पसंद के शैक्षिक संस्था को स्थापित करना और प्रशासित करने के अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है पहला शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी योग्यता निर्धारित करना यह विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा राज्य डिसाइड करेगा विश्वविद्यालय राज्य की एजेंसी है तो यह विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा उनके वेतन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षकों के योग्यता संबंधी प्रश्न शिक्षकों के वेतन संबंधी मामले उन वेतन उनको कितना मिलेगा सैलरी कितना मिलेगा पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा यह विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान डिसाइड नहीं करेगा पाठ्यक्रम पढ़ाई के घंटे आवर्स टीचिंग आवर्स कितना होगा यह अल्पसंख्यक समुदाय डिसाइड नहीं करेगी यह राज्य डिसाइड करेगा हो सकता है कि अगर उसको दिया जाए लिबर्टी तो वह उसमें भी डायल्यूट कर सकते हैं इसलिए टीचिंग आवर्स भी ये संबंधित राज्य विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा परीक्षा का क्रम क्या होगा एग्जामिनेशन कब होगा एग्जामिनेशन भी संबंधित राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा परीक्षा किस रूप में होगा कितने घंटे का होगा यह राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कॉलेज इसको डिसाइड नहीं कर सकती है यह तो ये ये सारी चीजें आर्टिकल तीस के दायरे से बाहर हैं क्यों क्यों क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करना शैक्षणिक गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल तीस में तीस एक में दिए गए हैं क्या कर सकता है संविधान के आर्टिकल तीस एक के अंतर्गत क्या अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान क्या क्या कर सकता है इस अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकता है वह कोई ज़मीन खरीद सकता है कॉलेज के नाम से लैंड एक्वायर कर सकता है कॉलेज के नाम से उस ज़मीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर वह वह अल्पसंख्यक समुदाय बना सकता है अपने किसी नाम से वह बिस्विद्या, विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय बना सकता है राज या कॉलेज बना सकता है तो लैंड एक्वायर करना लैंड परचेज करना उस पर बिल्डिंग भवन का निर्माण करना यह आर्टिकल तीस एक के दायरे में आता है अपने समुदाय के छात्रों को उसमें प्रवेश देना जिससे कि उनकी अपनी भाषा लिपि संस्कृति बनी रहे यह संविधान इस बात की गारंटी देता है तो वह अपने समुदाय के छात्रों से कुछ सीटें निश्चित निश्चित सीटें वह भरें जिससे कि उनकी अपनी लिपि और संस्कृति बनी रहे दूसरी तरफ यदि राज्य से सहायता प्राप्त कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी प्रवेश उसमें देना होगा ये बातें मैंने आपको तुलनात्मक रूप से आर्टिकल उनतीस और तीस के अंतर्गत बताने का प्रयास किया है तो मैं समझता हूं कि आ, ये सारी बातें संविधान के आर्टिकल तीस एक को लेकर के जो सेंट जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य से स्टार्ट हुई और पीए ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य आई आर टू सेवन सुप्रीम कोर्ट तक आकर के समाप्त हुआ मुझे लगता है कि आप स्क्रीन पर देखें और सभी इसमें जो आर्टिकल तीस ट्वेंटी नाइन और थर्टी के अंतर्गत मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि क्या आर्टिकल तीस में सम्मिलित हैं कौन सा आर्टिकल तीस के एक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है दोनों को भी विस्तार से बताने का प्रयास किया है अब क्राइटेरिया प्राय है मैंने आपको बताया कि धर्म और भाषा के आधार पर ही अल्पसंख्यक माने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया था सेंट स्टीफन कॉलेज के मामले में ही एक केस इसमें भी है सेंट स्टीफेन कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कन्सून कॉलेज था तो उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित कर दिया गया कि जो शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी मामले हैं या उसमें पाठ्यक्रम संबंधी जो मामले हैं वे सिलेबस को डिसाइड करना यह स्टेट का, का कार्य है और अल्पसंख्यक कौन होगा यह राज्य जनसंख्या के आधार पर स्टेट को दिया गया लिबर्टी कि राज्य डिसाइड कर दिया जैसा कि टी फाउंडेशन केस में और स्पष्ट कर दिया गया कि अल्पसंख्यक कौन है तो अल्पसंख्यकों का निर्धारण यह केंद्र के लिए संभव नहीं है कि एक कोई ऐसा मानदंड कि भारत सरकार के द्वारा डिसाइड कर दिया जाए कि अल्पसंख्यक यह अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर स्टेट वाइज राज्यवार ही निर्धारण किया जा सकता है कैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में हिंदू अगर बहुसंख्यक हैं तो धर्म या भाषा के आधार पर यहाँ पर मुस्लिम या धर्म या भाषा के आधार पर सिख या जैन यहाँ पे अल्पसंख्यक हो सकते हैं तो सिख समुदाय के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को स्थापित किया जा सकता है परंतु हिंदू आर्टिकल तीस का लाभ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं ले सकता है वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर राज्य की कुल आबादी का कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से कम वहाँ पर हिंदू हैं तो इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए संविधान के आर्टिकल तीस एक का लाभ लेते हुए वहाँ पर माँ बैष्णो देवी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं या कोई भी हिंदू शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं उसको उसका स्थापना और प्रशासन का अधिकार हिंदू अल्पसंख्यक को जम्मू कश्मीर राज्य में मिल सकता है और आर्टिकल तीस का दावा वो कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित की गई संबद्धता से संबंधित से दिशा निर्देश का शर्तों का पालन करना वहाँ पर भी हिंदू शैक्षिक संस्था को अपरिहार्य होगा बाध्यकर होगा ठीक उसी प्रकार से जैसे कि क्रिश्चियन का कोई अगर कॉलेज है उत्तर प्रदेश राज्य में तो उत्तर प्रदेश राज्य में क्रिश्चियन जो है ईसाई समुदाय का व्यक्ति वह यदि कोई शैक्षिक संस्था स्थापित करता है प्रशासित करता है जैसा कि आप सभी जानते होंगे क्रिश्चियन कॉलेज है इलाहाबाद में इलाहाबाद जिले में क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज है ए उस क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में वह संस्था क्रिश्चियन ईसाई समुदाय के द्वारा प्रशासित हो रही है संविधान की आर्टिकल तीस एक का लाभ ले सकते हैं परंतु शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित योग्यता यह विश्वविद्यालय डिसाइड करेगा उनके सैलरी वेतन विश्वविद्यालय के द्वारा फिक्स किए गए उतना मिलेगा प्राप्त होगा पाठ्यक्रम क्या होगा उस क्रिश्चियन कॉलेज का वह पाठ्यक्रम भी संबंधित राज्य विश्वविद्यालय स्टेट डिसाइड करेगा कब परीक्षाएं होंगी परीक्षा का समय क्या होगा यह सब आर्टिकल 30 के दायरे के बाहर है और ये राज्य विश्वविद्यालय ही डिसाइड करेगा तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि उस क्रिश्चियन कॉलेज जो इलाहाबाद का जो क्रिश्चियन कॉलेज है वह एक अल्पसंख्यक संस्था होते हुए संविधान के आर्टिकल तीस एक का लाभ ले सकता है परंतु संविधान की आर्टिकल तीस एक के अंतर्गत वह संबंधित राज्य विश्वविद्यालय के सेवा शर्तों का शर्तों का कंडीशन को मानने के लिए बाध्य है ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दिल्ली में खालसा डिग्री कॉलेज है वह सिख समुदाय के द्वारा संचालित है यदि उस खालसा डिग्री कॉलेज में पाठ्यक्रम क्या होगा ये दिल्ली विश्वविद्यालय या जिस विश्वविद्यालय से वह संबद्ध है उस विश्वविद्यालय के सेवा नियम नियमों का पालन करना उस डिग्री कॉलेज उच्च शैक्षिक सं उच्च अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के लिए अपरिहार्य होगा तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो टी एम ए पाई फाउंडेशन केस में कहा गया कि अल्पसंख्यक कौन है इसका निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यों के द्वारा किया जाना चाहिए हो सकता है एक राज्य का अल्पसंख्यक दूसरे राज्य में बहुसंख्यक हो और एक राज्य का बहुसंख्यक किसी दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है तो इसलिए कोई एक यूनिफार्म क्राइटेरिया फिक्स करना अखिल भारतीय स्तर पर यह संभव नहीं है अल्पसंख्यकों का निर्धारण धर्म और भाषा पर ही होगा और राज्य की जनसंख्या में उनका कितना प्रतिनिधित्व है 50 परसेंट से ज़्यादा है 50 परसेंट से कम है यह स्टेट पॉपुलेशन के आधार पर उनका निर्धारण किया जाए और संविधान के आर्टिकल तीस एक का लाभ उन्हें प्रदान किया जाए तो मुझे ऐसा विश्वास है कि मैंने संविधान के आर्टिकल उनतीस और तीस के अंतर्गत आपको जो शिक्षण शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन करने की बात बताई वह संवैधानिक पक्ष को लेकर के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के माध्यम से दिशा निर्देश के माध्यम से आर्टिकल तीस एक के दायरे में कौन से अधिकार आते हैं कौन सा अधिकार नहीं आता है और इस पर जो महत्वपूर्ण केस है टी एम ए पाई फाउंडेशन बनाम टी एम ए पाई फाउंडेशन का केस है दूसरा मैंने पी ए इनामदार का केस बताया सेंट जेवियर का केस बताया अजीज बादशाह बनाम भारत संघ का केस बताया इन केस के माध्यम से यदि आप आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी सूचना मैंने आपको इसमें देने का प्रयास किया है क्या संविधान के आर्टिकल उनतीस ट्वेंटी और संविधान के आर्टिकल तीस एक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन का अधिकार में क्या सम्मिलित है पहला भूमि खरीदना भूमिका अर्जन दूसरा वहाँ पर मतलब लैंड को एक्वायर करना भूमिका अर्जन संपत्ति इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत सुविधाओं का वहाँ पे करना निर्माण करना तीसरा अपने ही समुदाय अल्पसंख्यकों का अपने ही समुदाय के विद्यार्थियों का प्रवेश लेना यदि वे सरकार से सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं यदि सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं तो फिफ्टी परसेंट प्लस फिफ्टी परसेंट ये जब तक वह अपने समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश में नहीं लाएंगे तब तक संविधान के आर्टिकल उनतीस में जो भाषा और लिपि या संस्कृति है वह बनाए रखना उनके लिए कठिन होगा तो इसलिए उनको लिबर्टी स्वतंत्रता दे दी गई कि वे अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने के लिए लैंड भूमि खरीद सकते हैं और उस शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए उन विद्यार्थियों को प्रवेश कर सकते हैं परंतु क्या सम्मिलित नहीं है तो मैंने आपको उसमें बताया पाठ्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार उनको नहीं है सिलेबस डिसाइड करने का राइट नहीं है उनको टीचर के क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का उनका राइट नहीं है उनके सैलरी और वेतन भत्तों को डिसाइ को डिसाइड करने का उनका राइट आर्टिकल तीस के अंतर्गत नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि इस व्याख्यान से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आर्टिकल ट्वेंटी नाइन थर्टी से संबंधित देने का प्रयास किया इतनी यदि सारी बातें यदि आपको ध्यान में रहेगी सभी छात्रों को तो निश्चित रूप से शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार पर कोई भी प्रश्न आप कर पाएंगे इसी आशा उम्मीद के साथ विश्वास के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं थैंक यू धन्यवाद